दोस्तों कैसे आप लोग अच्छे होंगे। आज प्रथम पाली में सीटेट का जो जूनियर का पेपर हुआ उसके सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान का मैं आंसर की मैं बना लिया हूं, आप सभी को मैं दे रहा हूं। इसमें मैंने पूरी तरह से त्रुटि विहीन बनाने का प्रयास किया है और यह उत्तर जो मैंने लगाए हैं वही मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। पेपर जो सामाजिक विज्ञान का था वो बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं था, किंतु उसका जो स्तर था वो पूरा एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही था। मैंने 6, 7, 8 की जिन प्रतिष्ठियों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उनको समस्याएं किसी प्रकार की नहीं होंगी। चलिए आते हैं प्रश्नोत्तर पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 इसमें है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग हम वायु की दिशा मापने के लिए करते हैं। फिर अगला था, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंग संरक्षण में मदद करती है। दोस्तों वो है आपकी वायुमंडल। एक होती है बहिर्मंडल, लोगों ने बहिर्मंडल लगाया लेकिन होगा वायुमंडल, इसे ही आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। अगला है पृथ्वी ने परत को पहचानना था। अब परत को पहचानने के लिए क्या करना है, इसमें चित्र बनाया गया। तो चित्र हम जानते हैं जिस तरह से बनाए जाते हैं, देखिए ऊपर होता है क्रस्ट, फिर मेंटल, मेंटल दो पार, फिर नीचे कोर। ये कहा है निम्नलिखित पृथ्वी की परतों को आंतरिक से बाह्य की तरफ, मैंने इधर से देखिए नीचे से ऊपर की तरफ पहचानना है। तो पहले आंतरिक कोर, फिर बाह्य कोर, फिर मेंटल, फिर परपटी। तो इस क्रम में हिसाब से विकल्प डी सही होगा आपका। तो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, हम समझ आशा करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया है कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या वह दर्शाता है। लोगों आप लोगों ने बहुत सारा सूर्य ग्रहण लगाया लेकिन इसमें क्या होगा, लघु ज्वार भट्टा। क्योंकि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक एक सीध में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो वहां पे बृहद ज्वार होता है। मैंने एक सोच जगह यहाँ पे चंद्रमा यहाँ होती तो दोनों की दिशा एक ही तरफ होती, तो इस कंडीशन में उच्च ज्वार आने की संभावना। लेकिन जब ये समकोण पे अर्थात 90 अंश पे होते हैं तो सदैव क्या आते हैं, लघु ज्वार। इसका विकल्प 4 सही है। अगला है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसे जब नदियां मैदान में प्रवेश करती है देखिए इस तरह से मुड़ जाती हैं, इस तरह से, तो उन्हें मियांडर या विसर्ग, इस हिस्से को मियांडर या विसर्ग कहते हैं। चाप झील क्या होता है, जब ये टूट जाता है इसे चापा झील, चापाकार झील या गोखुर झील या ऑक्सलेक्स कहते हैं। अगला, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदा के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। दोस्तों इसके लिए हम वायुमार्ग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, भूगोल की शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या का संरचना से संबंधित करती है। देखिए जनसांख्यिकी जो होता है वह इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किंतु मेरे हिसाब से ये मानव भूगोल होगा। अब ये देखना है कि CBSE क्या मानती है, लेकिन मेरे हिसाब से भूगोल डी होगा, माने 4। अब इसमें है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ये सही है क्योंकि जो देशांतरी विस्तार है वह 30 डिग्री पीछे है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वह है 97 डिग्री 25 मिनट तथा जो गुजरात है वह 68 डिग्री 7 मिनट। तो लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क मिलता है जो 2 घंटे, इसलिए इस प्रकार ये सही है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ये गलत है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा ए सत्य है और आर असत्य है। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत है, तो इसमें का उत्तर जो होगा वो होगा सौर ऊर्जा। आगे है, निम्न में से विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, तो ये होगा पीसी कल्चर। बहुत से लोगों ने विटी कल्चर लगाया, विटी कल्चर अंगूर से संबंधित है। और आगे बढ़ते हम लोग। 41, एक स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थली भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसको कहते हैं, वह कहलाता है आपका स्थल संधि। जल जुड़ता है तो उसे जल संधि कहते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। दोस्तों सबसे छोटा की बात करेगा तो यह है ऑस्ट्रेलिया, ये तो आप लोग का सबका सही हुआ होगा। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया गया है। अब ये है आगमनात्मक अधिगम में, इसमें मैंने तो डी लगाया है लेकिन मुझे इसका उत्तर कन्फर्म नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे आते हैं, इसमें 45 क्वेश्चन, ये भी इसका उत्तर कंफर्म नहीं था लेकिन हमने ए और बी दोनों लगा दिया है। आलोचनात्मक सोच और धारणा के निर्माण तथा विचारों के उपयोग
विस्तार को बढ़ावा देती है या दूसरों तर्कों विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। अगला आते हैं अनुभवन साक्ष्य क्या है, आंकड़ों के संग्रहण के विश्वासी तरीके का उपयोग एकत्रित करने के आंकड़े। आगे आते हैं दोस्तों भौतिक विशेषताओं मॉडल प्रस्तुति मॉडल प्रकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, किसकी? भूगोल की। तो आगे बढ़ते हम लोग स्थानीय समाचार पत्र में मौसम जानकारी प्राथमिक और तृतीयक दोनों से लिए जाते हैं। अब सीखने की क्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखता है, समावेशी कक्षा में। आगे बढ़ते हैं निम्न में से सिद्धांत किसने दिया, जे एच बेली मैंने लिखा है, इसमें देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है तो आप लोग इसको जरा देख लीजिएगा। आगे आते हैं कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक करना चाहिए, परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच एक उच्च तरीके की गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क, तो इसका होगा बुद्धिमान सोच। फिर ये अजंता की गुफा के लिए दोस्तों, तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा आपका अजंता की गुफा को। आगे देखते हम लोग, तो इसमें था बुद्धिमान सोच, अगला था अजंता गुफा में, देखिए उसमें क्या था, चट्टानों के चूर्ण खनिज थे, इसलिए इसमें जो इसका उत्तर होगा वह आपका स्लेट डी होगा। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे यहाँ लिखित परीक्षा के सभी नोट्स भी उपलब्ध हैं, आप चाहे तो लिखित परीक्षा के नोट्स ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अनुसूचित जातियों के लिए, तो इसमें 84 है, पहले 79 थी लेकिन 84 अधिकतम की सीमा की बात कही गई है। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, स्वतंत्रता के अधिकार का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार, इसे उठा के अनुच्छेद 300 में कर दिया गया, पहले मूल अधिकार संख्या 7 थी अब है 6। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव संबंधित करती है जाति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। आगे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, सांसद। आगे निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। निम्नलिखित में किसको राज्य का प्रथम नागरिक, राज्यपाल को। वर्तमान लोकसभा चल रही है 15वीं लोकसभा। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य उल्लेख नहीं है, तो देखिए इसका भी उल्लेख है, इसका भी, इसका उल्लेख नहीं, राजनीतिक दलों के नाम। राज्यसभा सदस्यों को नामित कौन करता है, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित कौन सा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय सी राजगोपालाचारी, इनका होगा डी सी राजगोपालाचारी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारतीय संविधान कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित किससे भारतीय राष्ट्र को एकीकृत करने का प्रयास किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी। अब निम्नलिखित में कौन सी संविधान की समवर्ती सूची में सामामलों का कार्य करता, केंद्र और राज्य सरकारें। आगे है निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान में मसौदा समिति का अध्यक्ष था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे देखते हैं दोस्तों 18वीं सदी के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे होने लगा नादिर शाह। निम्नलिखित में जनरल गवर्नर ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, लॉर्ड डलहौजी, इसका भी होगा गवर्नर, ये भी होगा लॉर्ड डलहौजी। कानपुर के शासक खुद को पेशवा नाना साहब। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कारखाने विषय पढ़ाने के लिए उपयोगी विधि होगी किसी भी औद्योगिक कारखानों की यात्रा आयोजित करना। एसुडेसैट का क्या अभिप्राय है, एडुसैट यह एक राकेट जिसका उपयोग मानव उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पंचमढ़ी बीजक कबीर की रचना है। एलोरा गुफा राष्ट्रकूटों द्वारा बनाई गई है। कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है, तो ब्रह्म समाज रखता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आप सभी को जीएस के जो सामाजिक अध्ययन का जो था मैंने उसका आंसर किया आपको बना के दे दिया, आप सभी से सभी ग्रुपों में शेयर कर दे ताकि सभी लोग मिला लें, यही सबसे निर्णायक है। यह लगभग 60 मार्क्स के हैं, तो यही निर्धारित कर देगा कि किला फतह हुआ या नहीं। तो हम आशा करते हैं आपने भी किला फतह कर लिया होगा। इसी के साथ सभी को आप शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।